वेलकम टू द लॉजिकल टॉक। आंटमैन, अगर आपने ये मूवी देखी है तो आपको पता होगा आंटमैन एक सुपर हीरो होता है जिसको इवेंचुअली एक सूट मिल जाता है और उस सूट में होते हैं पिम पार्टिकल्स, जिसकी मदद से आंटमैन एक चींटी की बराबर हो जाता है और उसकी मदद से वो एक मैसिव साइज भी ले लेता है। मूवी में हमें इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन भी देने की कोशिश की गई है और वो ये है कि पिम पार्टिकल्स में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी मदद से वो एटम्स के अंदर का जो एक्स्ट्रा स्पेस होता है उसको खत्म कर देते हैं, जिसकी मदद से आंटमैन एक चींटी के बराबर हो जाता है। अब जब हम ये फिल्म में सुनते हैं तो हमें ये बहुत ज्यादा कन्विंसिंग आइडिया लगता है और बहुत ज्यादा सिंपल लगता है कि हाँ, एटम में 90% ऑफ द स्पेस खाली होता है, तो अगर हम उस खाली स्पेस को हटा दें तो हम एक चींटी के बराबर हो सकते हैं। लेकिन ये जो एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की गई है, यही एक्सप्लेनेशन इस मूवी की सबसे ज्यादा बड़ी मिस्टेक। अब इस वीडियो के खिलाफ एक अच्छा आर्ग्यूमेंट ये भी हो सकता है कि ये सारी चीजें फिक्शन है तो तुम इन सारी चीजों में साइंस क्यों ढूंढ रहे हो, क्यों साइंस लगा रहे हो इन सारी चीजों के पीछे। लेकिन ये वीडियो सिर्फ एक रियलिटी चेक वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे कि क्या आंटमैन रियलिटी में एग्जिस्ट कर सकता है या फिर नहीं, क्योंकि सुपर हीरोज जैसे कि कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन नियर फ्यूचर में पॉसिबल हो सकते हैं और वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको उनके ऊपर वीडियोस चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, अगर सिग्निफिकेंट अमाउंट में कमेंट हुए तो मैं उनके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। तो आंट मैन के सूट में होता है पिम पार्टिकल्स और वो पिम पार्टिकल्स एटम्स के अंदर के एक्स्ट्रा स्पेस को खत्म कर देते हैं, जिसकी मदद से आंट मैन एक चींटी के बराबर हो जाता है। ये सिंपल सी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है आंट मैन की सुपर पावर्स की। अब हम इसके बारे में आगे बात करते हैं। सबसे पहले तो हम नॉर्मल मिस्टेक्स की बात कर लेते हैं जो हमें आंटमैन मूवी में देखने को मिली हैं। तो कुछ कॉमन मिस्टेक्स ये हैं कि आंटमैन मूवी में हमें ऐसा बताया जाता है कि अगर समाओ हम ये भी मान लेते हैं कि एटम्स के अंदर का जो एक्स्ट्रा स्पेस है उसे हटा के आंटमैन एक चींटी के बराबर हो जाता है, तो मूवी में हमें ऐसा दिखाया जाता है कि आंटमैन का जो वेट होता है, जो मास होता है, वो भी चींटी के बराबर हो जाता है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम मैटर को डिलीट नहीं कर रहे हैं, हम मैटर को रिमूव नहीं कर रहे हैं कहीं से कहीं भी। तो मैन का जो वेट है वो भी कम नहीं होना चाहिए, लेकिन फिल्म में हमें ऐसा दिखाया गया कि उसका वेट कम हो जाता है। और इसी से सिमिलर एक और सीन हमें फिल्म में दिखाया जाता है कि डॉक्टर हैंक पिम पार्टिकल्स की मदद से अपने की चेन में टैंकर्स लेके घूमते हैं, जो कि बहुत ज्यादा सिली सी चीज है। हम ये मान लेते हैं कि आप एक टैंक को समहाउ बहुत छोटा कर लेते हैं, लेकिन टैंक का एक पर्टिकुलर मास होता है और उस मास को आप कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, ऐसा रियलिटी में पॉसिबल नहीं है। मास कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। और ये जो सिंपल सी चीजें हैं जो हमें फिल्म में दिखाई गई हैं, वो फिजिक्स के बेसिक लॉस को तोड़ देती हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज है अगर हम एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से देखें। अब जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, वो बातें सुन के आप कन्विंस हो जाएंगे कि इस वीडियो का जो टाइटल है वो टाइटल एकदम करेक्ट है, द बिगेस्ट साइंटिफिक मिस्टेक इन द मूवी आंटमैन। तो अब हम बात करते हैं एटम्स की, जो कि इस आंटमैन सूट का मेन कॉन्सेप्ट है। एटम्स बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं मैटर के। इस दुनिया में जितनी भी सारी चीजें हैं, उन सभी चीजों का बिल्डिंग ब्लॉक है मैटर, और मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक है एटम। तो अगर हम बात करें एटम की, तो हम सभी जानते हैं एटम क्या होता है, हम सभी ने ये पढ़ रखा है। एटम एक न्यूट्रल पार्टिकल है जिसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। किसी भी एटम के सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कंबाइन होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो आंटमैन मूवी के हिसाब से एटम कुछ ऐसा दिखता है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारा स्पेस खाली है। तो मूवी में कुछ ऐसा बताने की कोशिश की गई है कि ये जो स्पेस खाली दिख रहा है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, इस स्पेस को हटा दिया जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन उस जगह से हटके न्यूक्लियस के बहुत पास आ जाएगा, जिसकी मदद से एटम जितनी जगह लेता है वो उतनी जगह नहीं लेगा, कम जगह में बहुत सारे एटम्स आ जाएंगे, जिसकी मदद से किसी भी चीज का साइज कम किया जा सकता है, ऐसा दिखाया गया है हमें आंटमैन मूवी में। लेकिन ये जितना सिंपल लगता है उतना सिंपल है नहीं, ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज है। एटम कोई भी एक सर्किल नहीं है और इलेक्ट्रॉन उस सर्किल के कॉर्नर में घूम नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं है जैसा हमें बताया जाता है। एक चीज होती है जिसको हम एटॉमिक रेडियस बोलते हैं, और एटॉमिक रेडियस का मतलब होता है एटम के न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो स्पेस है और जिस पर्टिकुलर रेडियस में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड, उस चीज को हम एटॉमिक रेडियस बोलते हैं, उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को। लेकिन यहीं पे सबसे ज्यादा बड़ा फ्लॉ आ जाता है, इलेक्ट्रॉन कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ न्यूक्लियस के
चारों ओर चक्कर लगा रही है एक पर्टिकुलर रेडियस में। इलेक्ट्रॉन की दो प्रॉपर्टी होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक टाइम पे पार्टिकल भी है और इलेक्ट्रॉन एक टाइम पे वेव भी है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एटम के एक पर्टिकुलर रेडियस में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। इलेक्ट्रॉन एक क्लाउड में मूव करता है जिसे हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन कभी भी एक पर्टिकुलर सर्किल में रिवॉल्व नहीं करता है एटम के, वो कभी वेव फॉर्म में होता है कभी पार्टिकल फॉर्म में होता है। एक एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन बताना इम्पॉसिबल होता है, हम ऐसा बता ही नहीं सकते कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है किसी भी एटम के अंदर। अब हम बात करते हैं ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है कि हम एक एटम के अंदर जो एम्प्टी स्पेस है उसे हम मिटा क्यों नहीं सकते हैं, इस चीज़ के बारे में हम बात करते हैं। हम जिस दुनिया में जी रहे हैं उस दुनिया में फिजिक्स के कुछ कॉन्स्टेंट होते हैं जिसे हम कभी भी बदल नहीं सकते हैं। हम हमेशा से सुनते हैं नथिंग इज इम्पॉसिबल, लेकिन यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट्स का बदलना इज इम्पॉसिबल। कुछ यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट्स जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट जी, प्लैंक कॉन्स्टेंट H कभी भी बदले नहीं जा सकते हैं, और किसी भी एटम का साइज इन सभी कॉन्स्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू नहीं बदल सकते हैं तो हम किसी भी एटम का साइज कैसे बदल सकते हैं, हम किसी भी एटम के अंदर का एम्प्टी स्पेस कैसे हटा सकते हैं, ऐसा रियलिटी में पॉसिबल नहीं है। और इसी एक रीज़न की वजह से आंटमैन रियलिटी में पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला और कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए। अगर आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं तो आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी इस चैनल के लिए। तो रचुल टॉक की दूसरी वीडियोज़ को देखने के लिए आप इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।